गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का, अच्छा लग रहा है। और इस सेशन में हम कन्वर्जन ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे, सीखेंगे। कन्वर्जन ऑफ वर्ड्स को ही हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। कन्वर्जन ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों का परिवर्तन, कि हम शब्दों को परिवर्तित कर लिखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ वर्ड्स, या इसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। आप तो इस सेशन को देख ही रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। तो एक तरफ हमारे नाउन्स होंगे और दूसरी तरफ हम एडजेक्टिव्स की बात करेंगे। आपको पता ही है हम स्पेशल एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, ये सेशन स्पेशल एडजेक्टिव्स का है। पिछले वीडियो में हमने फ्लैश तक बात की थी, चलिए मैं रिकैप कर देता हूँ। फ्लैश हमारा नाउन था और इसका एडजेक्टिव था कर्नल, CARNAL, कर्नल। और आज से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक तरफ नाउन और ठीक दूसरी तरफ एडजेक्टिव्स। आइए इसको समझते हैं। आवर टुडेज वर्ड इज ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ। ग्रीफ की एडजेक्टिव है ग्रीवस। स्पेलिंग आप गौर करें, GRIEVOUS। आप गौर करें कि GRE तक हमने लिखा है और F की जगह पर हमने V चेंज किया और बाद में हमने OUS ऐड किया। ध्यान रहे, मैंने जैसे बताया यही इसका एग्जैक्ट तरीका है, यही इसका एग्जैक्ट नियम है। GRIE तक हमने मेंटेन किया एंड वी हैव चेंज्ड F इनटू V, F V में बदल गया है। ऐसा ना समझें कि F VOUS में बदला है, नो, F सिर्फ V में बदला है और OUS ऐड हुआ है। OUS एक एडजेक्टिव सफिक्स है, एडजेक्टिव बनता है इससे, इसलिए ग्रीवस वर्ड एडजेक्टिव है। ये टेक्निक है इसकी। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्रास, GRASS। बहुत ही आसान एडजेक्टिव है इसका, हम लोगों ने सुना है ग्रासी लैंड, ग्रासी फील्ड। तो ग्रासी, ग्रासी मीन्स घास भरा हुआ, घास वाला। ओके, हैंड, अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड नाउन एंड इट्स एडजेक्टिव इज ऑल्सो स्पेशल। आइए समझते हैं, इट्स एडजेक्टिव इज मैनुअल। आपने खूब सुना है इसे, मैनुअल मीन्स रिलेटेड टू हैंड। वर्ड नंबर नेक्स्ट, आवर वर्ड इज हिपोक्रीट, हिपोक्रीट। ओके, प्रोनंसिएशन पर ध्यान दें आप, हिपोक्रीट, हिपोक्रीट, जल्दी से क्रीट बोलना है, हिपोक्रीट। और हिपोक्रीट की मीनिंग है पाखंडी, एक ऐसा इंसान जो बताएगा कि उसके पास ये क्वालिटीज़ है, ये गुण वो रखता है, ये बिलीफ्स रखता है, जो कि उसके पास ना तो वो क्वालिटी है ना ही वो बिलीफ्स है। ओके, फिर भी वो इंसान रॉन्गली आपको मिसगाइड करेगा। सो दिस काइंड ऑफ पर्सन इज़ कॉल्ड अ हिपोक्रीट। ओके, इसका एडजेक्टिव है हमारे पास हिपोक्रिटिकल, हिपोक्रिटिकल। ओके, हिपोक्रिटिकल, हिपोक्रिट, हिपोक्रिटिकल। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज आइलैंड, नेक्स्ट वर्ड इज आइलैंड एंड इट्स एडजेक्टिव इज इंस्यूलर, इट्स ऑल्सो स्पेशल। आइलैंड इंस्यूलर, आइलैंड इंस्यूलर। ध्यान रहे, एस का प्रोनंसिएशन हम यहाँ नहीं करते, आइलैंड इंस्यूलर। ओके,
The word is industry. Industry. And its adjective is industrious. एक ये भी adjective है और दूसरा industrial ये भी adjective. Industrial. Okay. Next word की तरफ हम बढ़ते हैं. And now we have a very fantastic word, बसंत ऋतु. क्या बात है, स्प्रिंग. बसंत ऋतु सबको पसंद होता है. स्प्रिंग का एडजेक्टिव बहुत ही स्पेशल है एंड इट्स एडजेक्टिव इज वर्नल. वर्नल मीन्स रिलेटेड टू स्प्रिंग, बसंत ऋतु से संबंधित. और स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु. ओके. सन, अगेन इट हैज़ अ स्पेशल एडजेक्टिव दैट इज सोलर सिस्टम. आपने सुना है. तो सोलर मीन्स क्या, सोलर मीन्स सूर्य से संबंधित. ओके. जिसको आप सौर्य कहते हैं हिंदी में, सौर्य मंडल. सूर्य मंडल तो नहीं कहते, सौर्य मंडल कहते हैं. लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई हार्डेस्ट. एनी वे, द एडजेक्टिव ऑफ सन इज सोलर. आइए स्टार की एडजेक्टिव सीखते हैं, स्टार का विशेषण. स्टार, आपने सुना होगा स्टारी नाइट, तारों भरी रात. मतलब उस रात तारे ही तारे थे, आकाश तारों से भरा था. स्टार, स्टारी, स्टारी स्काई, स्टारी नाइट. ओके. नेक्स्ट इज टूथ. टूथ. ओके. एंड इट्स एडजेक्टिव इज डेंटल. सुना हुआ है लेकिन दिमाग में इसको बनाने के वक्त नहीं हुआ करता है. वर्नल थोड़ा स्पेशल था, ये हमारा जाना हुआ था, स्टारी भी जाना हुआ था, डेंटल भी जाना हुआ था, बट एट द मीन टाइम वी फॉरगेट इट. एनीवे, लास्ट लाइसेंस. ओके. लाइसेंस, एल आई सी ई एन सी ई, लाइसेंस. गाड़ी का लाइसेंस मिलता है ना हमें. और इसके एडजेक्टिव होंगे लाइसेंशियस. ध्यान रहे, प्रोनंसिएशन पर ध्यान दें. लाइसेंशियस, तलब्य श. ओके. यहाँ से तलब्य श, लाइसेंशियस, तलब्य श एंड दंत स, लाइसेंशियस. दिस इज द करेक्ट प्रोनंसिएशन. चलिए एक और नाउन की हम बात कर लेते हैं, लश्चा. ओके. इट्स लश्चा. जरा सा वेट करेंगे. अब देखिए, बहुत लोग इसे लश्चा पढ़ते हैं, जैसा मैंने अभी पढ़ा था. ओके. अब ध्यान रखें, लश्चा नहीं पढ़ें आप, च के बाद अ साउंड नहीं, बल्कि यह है लश्चा. ट के बाद अ साउंड आप बोलें. दिस इज लश्चा. And its luster means shining. Luster means बहुत ही तेज रोशनी, किसी में shining है बहुत. तो कोई चीज़ अगर shiny हो, that is adjective में हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए adjective है lustrous. Lustrous. Okay. LUSTROUS. Lustrous. चूँकि आप शायद phonetics में बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे, इसलिए मैं यहाँ हिंदी में अभी लिख रहा हूँ. अदरवाइज इसके सारे प्रोनंसिएशन मैं फोनेटिक्स में लिखता, फोनेमिक डिसिप्लिन में लिखता. कोई बात नहीं है, कभी हम इसकी बात भी करेंगे. तो ठीक है, हम एक बार सारे वर्ड्स को देख लें. ग्रीफ, ग्रीवस. ग्रास, ग्रेजी. हैंड, मैन्यूअल. ध्यान दें, मैन्यूअल, मैन्यूअल. हैंड, मैनुअल. हिपोक्रेट, हिपोक्रिटिकल. आइलैंड, इंस्यूलर, इंस्यूलर. सूलर नहीं, स्यूलर. इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियल. स्प्रिंग,
वर्नल, स्प्रिंग, वर्नल। अब ध्यान रखें वी लेटर का साउंड हमेशा व हुआ करता है, भ नहीं। भ साउंड इंग्लिश में होता ही नहीं है। वर्नल, सन, सोलर, स्टार, स्टारी, टूथ, डेंटल। लाइसेंस, लाइसेंशियस, लाइसेंशियस। लस्टर, लस्ट्रस, लस्टर, लस्ट्रस। एंड अगेन थैंक यू सो मच टू बी विद अस। प्लीज डू सब्सक्राइब, डू शेयर इट एंड लाइक इट, एंड प्लीज लीव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। आई ऑलवेज वेलकम योर सजेशन। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्थी।